इसके अंदर जो है बड़ा एक मुनज़्ज़म एफर्ट जो है वो हुकूमत की तरफ से और एनडीएमए की तरफ से हो रहा है। अगर आपको यानी कि फिगर्स रिक्वायर्ड हैं तो तकरीबन जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सूबों को 30,000 के करीब टेंट्स जो है वो सप्लाई कर चुके हैं, कुल 35,000 मॉस्कीटो नेट्स जो हैं, ब्लैंकेट्स हैं उसमें 20,000, हाइजीन किट्स हैं, किचन सेट्स हैं, फूड पैक्स हैं, फर्स्ट एड है, वो सूबों को डिस्ट्रीब्यूट भी किए जा रहे हैं और फिर सूबे भी अपने वसाइल से जो हैं वो इन चीज़ों को फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखें जो इम्पैक्ट है फ्लड्स का वो एक मैसिव इम्पैक्ट है। आपका ये जो बारिशें हुई हैं मैं फिगर देख रहा था तकरीबन 6 गुना ज्यादा नॉर्मल एवरेज से बारिशें हुई हैं सिंध में, बलूचिस्तान में 4 गुना एवरेज से ज्यादा बारिशें हुई हैं और शायद इस तरह का जो फ्लडिंग है 2010 से भी ये बड़े लेवल के ऊपर फ्लडिंग है। हुकूमत जो है अब जो वो पिछले 2-3 महीने से एनडीएमए जो है वो फाल है, वो वार्निंग्स भी दे रहा है मुख्तलिफ इलाकों पे, इवैक्यूएशन की वार्निंग्स भी दी जाती गई हैं लेकिन स्केल इतना बड़ा है कि वी आर स्ट्रगलिंग टू कोप अप विद दिस प्रेशर। देखें उसके अंदर एनडीएमए जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी जो है उसके अंदर सब सूबे ऑनलाइन होते हैं, बाकी सूबों के साथ भी जो है वो काम चल रहा है। मैं अगर सूबों की बात करूं तो सूबे मेरे पास जो फिगर हैं वो 1,40,000 टेंट्स जो हैं वो सारे पाकिस्तान के सूबे। आपकी कथा कलामी की माज़ देखें हुकूमत जो है वो सबसे बड़ी बॉडी है और जिस लिहाज से हुकूमत काम कर सकती है कोई जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उतनी इफेक्टिवली नहीं कर सकती, लेकिन इनकी मदद हमें रिक्वायर्ड है, हमें सबकी मदद रिक्वायर्ड है, हमें हर पाकिस्तानी की मदद रिक्वायर्ड है, उसके अलावा हमें फॉरेन असिस्टेंस की भी मदद रिक्वायर्ड है। देखें अब तक मैंने आपको बताया कि हुकूमत जो है टेंट्स, मॉस्कीटो नेट्स, ब्लैंकेट्स, हाइजीन किट्स, किचन सेट्स, फूड पैक्स, हर किस्म के, यहाँ तक के आपकी डी वाटरिंग पंप्स तक जो है वो सूबों को सप्लाई कर रही है और डिस्ट्रिक्ट जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, जो डीसीज हैं मुख्य जगहों पे, उनके साथ भी इन टच हो रहे हैं। बेस्ट तरीका ये है कि ये जितने भी लोग जो फलाई तंजीमें हैं इनको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है ताकि हुकूमत बेहतर जानती है कि कौन सी जगह ज़्यादा हिट है, किधर ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। और देखें होता यह कि अगर प्राइवेट सेक्टर अपने ओन पे काम करता है तो उसको ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा एरिया ज्यादा हिट है और वो फिर हो सकता है जो इतना एरिया जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हदायत जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे दे दी गई हैं और ये बेस्ट मैकेनिज्म है कि आपने अगर कहीं भी रिलीफ करना है प्राइवेट सेक्टर ने या किसी एनजीओ ने या किसी फलाई तंजीम ने, वो लोकल जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे राबता करें। मेरे ख्याल से मैं पता करूँगा कि अगर कोई UN नंबर है जहाँ आप राबता करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकें कि किस तरह करना है, बट दैट वुड बी द बेस्ट वे ताकि उन लोगों को जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी मदद पहुंचे। और ये वैसे तो जहां भी पहुंच जाए बेहतर है लेकिन अगर ये एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हो तो उससे ज्यादा इफेक्टिवली आप जो है वो जो मोस्ट अफेक्टेड लोग हैं उनकी आप जो है वो सपोर्ट कर सकेंगे। देन अगेन लास्ट मैसेज मेरा यही है कि वी नीड नेशनल कोहेजन राइट नाउ। पॉलिटिक्स जो है उसको सेट असाइड कर देना चाहिए, उसको ब्रेक लगा देनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं PTI की तनकीद करूं, मैं पीपल्स पार्टी की तनकीद करूं। तनकीद हम लोग जब ये डिजास्टर थम जाएगा, जब ये चीजें कंट्रोल में आ जाएंगे तब हम जरूर ओवरव्यू कर सकते हैं कि किसने क्या गलती की और किसको क्या करना चाहिए था, लेकिन ये वक्त वाकई एक दूसरे को इनकरेज करने का और पूछने का है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, चाहे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लेवल है। और मैं समझता हूं कि देखें हर जगह ये आंसर होता है जो इन चीजों का फायदा उठाता है या, लेकिन वी हैव टू थिंक बियॉन्ड दोज थिंग्स। हमें पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है और हमें देखें हम लोग यहां बेजा तनकीद करते हैं, हुकूमत को आप डोनेट करें, हुकूमत सबसे बड़ी बॉडी है, हुकूमत सबसे मैसिवली इफेक्ट कर सकती है, तो हमें हुकूमत को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है।